नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। कैसे आप सभी? आशा करते हो आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ओला उबर कॉल सेंटर से फ्रॉड का कॉल आ रहा है। मेरी कुछ ड्राइवर भाइयों से बात हुई है तो पता चला कि दो तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। पहला फ्रॉड ये है कि मान लीजिए आप ओला उबर के बुकिंग के लिए वेट कर रहे हैं, आपको सडनली बुकिंग आ जाती है, आपने बुकिंग एक्सेप्ट की और आपको एक से दो मिनट के अंदर कॉल आ जाता है और आपको कहा जाएगा कि सर हम, अगर आपको ओला से बुकिंग आई है तो आपको कहा जाएगा कि हम ओला कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, अगर आपको उबर की बुकिंग आई है तो आपको कहा जाएगा कि हम उबर कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, और आपको कहा जाएगा गाड़ी प्लीज़ लेफ्ट में खड़ा कर दीजिए, और आपको कहा जाएगा जहाँ पर आप खड़े हैं वही क्लाइंट लोकेट कर दीजिए, और आपको OTP देते हैं हम, आप TV स्टार्ट कर दीजिए, और कहा जाएगा कि सर ये फेक बुकिंग है, हमने खुद कस्टमर केयर से बुकिंग बनाया है और सर ये सिर्फ ट्रायल के बेसिस पे है। तो नॉर्मली ड्राइवर बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे कर सकते सर, हम इसमें हमारे को बिल आ जाएगा। तो कहा जाता है कि सर इसका बिल नहीं आएगा, ये बस एक फेक बुकिंग है, इसका बिल अगर आएगा भी तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी से बुकिंग आई है, ये बस एक ट्रायल बुकिंग है। जैसे आप बुकिंग को स्टार्ट करेंगे और एंड कर देंगे आपका ऐप अपडेट हो जाएगा या आपका नेविगेशन अपडेट हो जाएगा। इस तरह अलग अलग बात बोल के ड्राइवर को कन्फ्यूज किया जाता है। दोस्तों, ये फ्रॉड वाले इतने चालाक होते हैं, इतने इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है कि जब बात करते हैं तो कोई भी आम ड्राइवर इसको पकड़ नहीं सकता कि वो कॉल सेंटर से फ़ोन कर रहे हैं या एक फ्रॉड फ़ोन कर रहे हैं। और हमारे से बहुत से ड्राइवर भाई उनकी बातें में आ जाते हैं और ऐसा कर लेते हैं, पर जैसे वो ऐसा करते हैं, जैसे वो ट्रिप स्टार्ट करते हैं और जब ट्रिप एंड करते हैं तो उनको पता चलता है कि 500 कभी 1000 कभी 2000 तक बिल आ जाता है और बिल ड्राइवर को भरना पड़ता है, क्योंकि ऐसे केस में कस्टमर केयर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जब ड्राइवर भाई कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और पूरी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, तो कंपनी सीधा कहती है कि आपको ये पहले ट्रेनिंग में बताया गया है कि जब तक कस्टमर गाड़ी में ना आए आपको OTP डाल के मीटर स्टार्ट नहीं करना है, इसलिए वो आपकी मदद नहीं करेंगे और आपको पैसा जेब से ही भरना पड़ेगा। जब मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो मुझे पता चला कि ये ऐसा फ्रॉड इसलिए करते हैं कि बहुत सारे कस्टमर का पुराना बिल बाकी होता है, तो अगर वो खुद गाड़ी में बैठेंगे गाड़ी बुक करके तो जब मीटर स्टॉप होगा तो उनको पुराना बिल भी पे करना पड़ेगा, तो इस तरह फ्रॉड करके वो अपना पुराना बिल भरवा लेते हैं ड्राइवर से। तो दोस्तों, इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहें, कभी भी किसी कस्टमर केयर के बात में ना आए कि उनके बोलने पे आप ट्रिप स्टार्ट कर दो, वरना इसके नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, मैं बताता हूँ दूसरे तरह के फ्रॉड कैसे हो रहे हैं। मेरे कुछ ड्राइवर भाइयों से बात हुई है तो इस तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। कई बार तो आपको बुकिंग आती है उसके बाद फ्रॉड होता है, पर कुछ बार तो ऐसा होता है कि आपको बुकिंग आई नहीं है, आप गाड़ी में बैठे हो बुकिंग का वेट करते हुए, तभी आपको कॉल आता है कस्टमर केयर से नंबर से जो कि ज़्यादातर लैंडलाइन नंबर होता है, और आपको कहा जाता है कि हम ओला या उबर के कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, सर आपके जो ID है उसके पासवर्ड में इशू है, या कहा जाता है आपके जो आपका ईमेल आईडी है जिस नंबर से आपका रजिस्टर्ड है आपका ईमेल आईडी उसमें कुछ इशू है, या कभी कहा जाता है कि आपके मोबाइल नंबर जो आपने सर दिया है वो यहाँ पर ठीक से अपडेट नहीं हुआ है तो इसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा, और पता नहीं क्या अलग अलग तरीके से आपके डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे अपडेट करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें तो ज़्यादातर हमारे ड्राइवर भाई समझदार हैं, वो जल्दी इसके फ्रॉड में नहीं आते हैं। कुछ हमारे सीधे साधे ड्राइवर भाई हैं वो समझ नहीं पाते हैं और इनके फ्रॉड में आ जाते हैं, और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए उनको OTP भेजा जाता है या उनको एक लिंक भेजा जाता है या कहा जाता है कि अपने आप मोबाइल में से आपका जो ईमेल आईडी है उसको आप यहाँ पर अपडेट करा दीजिए। जैसे आप अपडेट कराते हैं ऐसा कुछ भी आप अपना आप उनको डिटेल शेयर करते हैं, वो आपका अकाउंट हैक कर लेते हैं और आपका पूरा डेटा वहाँ पर निकाल के वो अपने मोबाइल में डेटा ले लेते हैं आपका। उस समय आपका आईडी काम नहीं कर रहा है, आप लॉग आउट हो गए हैं, जब आप लॉग इन करते हैं तो आपका गाड़ी लॉग इन भी नहीं होता है, या जब आप अपने कस्टमर केयर से बात करते हैं तो आपका कस्टमर केयर से बात भी नहीं होता है, क्योंकि आपको कहा जाता है कि सर आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कीजिए। जब आप कहते हैं कि सर अपने रजिस्टर्ड नंबर से कॉल कर रहा हूँ तो भी कहा जाता है सर आपका नंबर अपडेट हो गया है, आपको इस नंबर से कॉल हम आपका इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, आपको उबर ऑफिस या ओला ऑफिस आके बात करना पड़ेगा। और जब आप ओला या उबर ऑफिस जाते हैं इसके शिकायत करके तो भी आपको मदद नहीं किया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि आपका सर सिस्टम से आपका अपडेट हो गया है, इसको बहुत टाइम लगेगा। पर इस तरह के फ्रॉड से बचे दोस्तों, कभी भी अपना जो आपका पर्सनल डिटेल है आपके ओला उबर के आपके जो आईडी के बारे में या आपका डॉक्यूमेंट के बारे में या आपका मोबाइल नंबर कभी भी किसी भी को शेयर ना करें, चाहे वो कस्टमर केयर से बात करें या कहीं से बात करें। जब भी आपको इस तरह कॉल आता है आपको बोलना है कि सर हम अपना मोबाइल नंबर आपको सर हम अपना डिटेल आपको शेयर नहीं कर सकते हैं,
आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट करना है या जो भी करना है, हम ओला या उबर ऑफिस आते हैं वहाँ का अपडेट करेंगे। आपको यहाँ तक धमकाया जाता है कि सर आप अभी आपने अपडेट नहीं किया तो आपका आईडी अभी बंद कर दिया जाएगा। तो आप कह दीजिए ठीक है आईडी बंद कर दीजिए, मैं ऑफिस आके बात कर लूँगा। पर दोस्तों आपको इनके बात में बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल सावधान रहें वरना एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी कभी तुम्हें समझ में ये नहीं आता कि हर आदमी ड्राइवर का ही नुकसान करने के लिए क्यों पीछे पड़ा है। ओला उबर कोई नियम बनाती है उसमें ज़्यादातर नियम ओला उबर के ड्राइवर के नुकसान का ही होता है। अभी कस्टमर भी कुछ फ्रॉड कर रहे हैं इसमें भी नुकसान ड्राइवर का ही होता है। तो लोग सोचते क्या है कि ये ड्राइवर लोग डेली लाखों करोड़ों कमाते हैं, या इन्होंने ड्राइवर की नौकरी कर ली तो इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। दोस्तों आजकल आप चेक भी करते होंगे कि आजकल ओला या उबर के जो मैसेज सेक्शन है उस मैसेज भी आपको आता है कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड से सावधान रहें। तो प्लीज़ आप अपना मैसेज भी चेक करते रहें और इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहें। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। दोस्तों आप चालाक हैं, आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं, पर हमारे से बहुत सारे ड्राइवर भाई सीधे साधे होते हैं, वो उनके फ्रॉड को समझ नहीं पाते और वो फ्रॉड उनके साथ हो सकता है। क्या पता आपके एक शेयर करने से हमारे दूसरे ड्राइवर भाई सावधान हो जाए और वो फ्रॉड से बच जाए। इसलिए दोस्तों ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे काम की वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे जानकारी देकर हमारे दूसरे ड्राइवर भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।